गोल लागत नहीं समाचार बटुए बक्सर के ब्रह्मपुर से ब्रेकिंग खबर बटुए रोहित ओझा जी के रिपोर्ट बटुए ब्रेकिंग खबर ही बा कि ब्रह्मपुर के पचफेड़वा गांव में शौच करे गई एगो युवक पर भइल जानलेवा हमला गंभीर स्थिति में रेफर हो गई बटुए तब ब्रेकिंग खबर पचफेड़वा गांव में शौच करे गई एगो युवक पे हमला भइल बटुए गंभीर स्थिति में बक्सर सदर अस्पताल से बनारस ट्रामा सेंटर में व्यक्ति रेफर हो गई बटुए। अब खबर का बा विस्तार से सुनी। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के पचभेड़वा गांव में शौच करे गई एगो युवक पर जानलेवा हमला भइल। अधमरा स्थिति में युवक के खेत में फेंक के अपराधी भाग गए। युवक अधमरा बेहोशी हालत में खेत में पड़ल रहे। इस संदर्भ में मिलल जानकारी के अनुसार पचफेड़वा गांव के रहे वाला सुरेश शर्मा पिता राम प्रसाद शर्मा सवेरे के 6:30 बजे शौच करे खातिर या खेत घूमे खातिर घर से गई रहन तब अचानक से बिट्टू पांडे अपन अन्य 5 साथी के साथ हो जा पहुँचल आ पुराना रंजिश के लेके उनका ऊपर जानलेवा हमला लाठी डंडा से कर दिलस जेकरा बाद उनका के उठा के खेत के किनारे फेंक के भाग निकल लोग। वही रास्ता से गुजर रहा ग्रामीण है बात के सूचना उनका घर वालन के दिहलन जहाँ बात के सूचना मिलते परिजन के द्वारा इनका के आनन फानन में रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज खातिर भर्ती करावल गई जहाँ इनकर इलाज चिकित्सक के द्वारा कैल गई। उनका के स्थिति खराब होत देखत बक्सर सदर अस्पताल में रघुनाथपुर से रेफर कर दिहल गई। जब वो बक्सर के सदर अस्पताल में पहुँचलन तो इनकर इलाज डॉक्टर सोनी कुमार के द्वारा कैल गई साथे साथ गंभीर स्थिति के देखत उनका के बनारस ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गई बा। यह बात के जानकारी देते सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सोनू कुमार बतावतनी कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा में पुराना रंजिश के लेके सुरेश शर्मा नाम के युवक पे जानलेवा हमला कैल गई रहे जेकर स्थिति काफ़ी गंभीर बनल बा। एकरा के देखत उनका के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गई बटुए। बतावल जाता कि 1 साल पहले बिट्टू कुमार पांडे और घायल जौन बने सुरेश शर्मा के साथ उनका दुकान पे पहुँच के दादागिरी मांगे के लेके मारपीट भइल रहे जेकरा के लेके ब्रह्मपुर थाना में FIR भी दर्ज करावल रहे। ओइजे जे पीड़ित बटुए इनकर लड़का के कहना बा कि एकर जब चोट लागल बा अभी तो हमनी के थाना में गई जा थाना में कहे लागल लोग ओइजा के सिपाही जी लोग ऐसे ही पट्टी बांध लेला बड़ा जाए जले। स्थिति गंभीर बटुए पुलिस प्रशासन के चाही। वैसे जिला के कप्तान नीरज कुमार सिंह काफ़ी तत्परता के साथ लागल बनी हालांकि पुलिस के भी छोट छोट घटना पे रोक लगावे के चाही काहे से कि छोटे घटना गंभीर घटना के रूप में परिणित हो जाला। ऐसे ऐसन घटना अगर आवे मारपीट के भी घटना आवे जौना में यह व्यक्ति के सर फाटल बटुए व्यक्ति रेफर हो गए बटुए बनारस ट्रामा सेंटर। सदर अस्पताल के डॉक्टर सोनू कुमार के कहना में बटुए कि जब तक CT स्कैन ना हुई कुछ भी कहल मुश्किल बा। सुनी बयान। हम लोग घर पर थे सोए हुए थे तले दूसरे गांव के लोग आकर एक आदमी आकर बोला कि तुम्हारे पिताजी वहां पर गिरे हुए हैं। हम लोग जाकर देखे तो पूरा खून में लथपथ पर थे पूरा। तब उठाकर लेकर पुलिस वहां पर गए ब्रह्मपुर। वहां पर वो लोग खोल ही नहीं रहे थे फिर खोल भी नहीं किए तो हम लोग लेकर फिर भागे रघुनाथपुर अस्पताल में। वहाँ पर इलाज वलाज हुआ तो वो रेफर कर दिया यहाँ पर बक्सर में। तो बक्सर पर यहाँ पर आए हैं काम करा रहे हैं। कौन मारा है? संत कुमार के लड़का हैं पापा तो बोल रहे थे वहीं। हम तो लोग तो ये तो गिर गए थे तो हम बाद में गए देखे वहाँ पर तो कोई नहीं था। FIR करना है? FIR हो गया है। हो गया अभी? अब हाँ अब होगा साइन। हाँ पुलिस यहाँ पर आई हुई थी पुलिस के फिर इलाज करा कर पुलिस के वहाँ पर गए हम लोग। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ना थोड़ा सा छोट झूठा मुठो का तुम लोग बांध लिए हो ऐसे वैसे हो रहा है। अरे FIR पर यहीं लिखा है कि पॉटी बना हुआ है उतना कोई अथी उथी नहीं हुआ है। FIR कर लिया वो लोग? हाँ हम लोग अभी FIR करने वाला है। साइन भी इनका कराना है अभी। लड़का कौन
लड़के का क्या नाम था जो मारा है? बीटू पाणे, बीटू पाणे। और उसका छोटा लड़का का अब नाम नहीं पता है मुझे। छोटा लड़का भी था? हाँ। आपका परिचय क्या पड़ेगा? जितेंद्र शर्मा सुरेंद्र, उनके पिता है, पिता श्री है मेरे। ब्रह्मपुर से एक युवक है जो कि घायल हुए हैं, उनको मारा पीटा गया है, स्थिति अभी क्या है? ये जो पेशेंट आए हैं सुरेंद्र शर्मा, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर बक्सर से आए हैं, और उन पर सर में भी चोट है और हाथ में भी चोट है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर इलाज चल रहा है और एक्सरे लिखा गया है, सीटी स्कैन, सर में भी चोट है, अभी स्थिति थोड़ा गंभीर है, उसको लेकर के हम उनको हायर सेंटर रेफर किए हैं। हाँ, क्योंकि सीटी स्कैन कराने के बाद ही पता चलेगा कि सर में कितना चोट है। फिलहाल स्थिति ठीक है? फिलहाल स्थिति अभी तो उस जांच पे डिपेंड करता है कि सर में कितना चोट है, उसके अनुसार इनका इलाज चल रहा है। मैंने उनको स्थिति गंभीर है कह सकते हैं और उनके लिए हम रेफर मैंने किया है। ठीक। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर सोनू हुआ। आपको किसने मारा और क्यों मारा, क्या करने के लिए गए थे बाहर? हम मैदानों के जानी रोज होनी है, खेत और घूमे नहीं, और ये कोई नहीं है मैदानों के बैठे रहने तो सही आना धूनी लाठी से मारा मारे धारा धोड़ी मारे लोग लहन आदमी। कितना लोग राउंड मारे में? अरे पहले दो आदमी अले हैं, फिर दो चार आदमी अले हैं। के रहला? वो पाणेपुर गांव के दू गो के चिन्ह तने, उनको संत कुमार के लड़का बिट्टू आ एगो के काजन नमो काहल वेरे वो छोटका लड़का के उनकर। टोटल मतलब छह लोग रहन? हाँ। कहे के तुम मरला हो जा कोनो पुराना विवाद रहा? अरे छः सात महीना पहले दुआर पर आई के रंगबाजी करतल लोग, वही खातिर मारपीट भैल दोनों ओर से केसो भैल बा। वह खी से हाँ। कौन थाना पड़े रहो? ब्रह्मपुर थाना। नाम क्या पड़े रहो? सुरेंद्र शर्मा, उप सरपंच बनी हम हरनाथपुर पंचायत के। हरनाथपुर में सरपंच बने? हाँ।